आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 600 बॉटल्स इन 5 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 2 आवर्स। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। नंबर ऑफ बॉटल्स, यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉटल्स, और आपका क्या आ जाएगा टाइम इन आवर्स। तो नंबर ऑफ बॉटल्स अगर 600 है, टाइम कितना लग रहा है बच्चों 5 आवर्स, और अगर टाइम 2 आवर्स है तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स फिल होंगी, आपको ये बताना है। तो इसको हम एक्स ले लेंगे। तो देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ बॉटल्स ज़्यादा हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और नंबर ऑफ बॉटल्स अगर टाइम कम है तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी कम फिल होंगी। तो अब आप देखिए कि जैसे इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो बच्चों इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो 600 upon 5 is equal to x upon 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 600 into 2 upon 5, तो ये 120 आ जाएगा, और 120 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा 240। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स फिल होंगी 2 आवर्स में 240। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज कुड 20 men टेक टू डू द सेम वर्क। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए टेबल। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मैन, ठीक है बच्चों, और ये डेज आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज। अब देखिए अगर 8 men हैं तो कितना टाइम लग रहा है 20 days, और कह रहा है कि अगर 20 men हो जाएं तो नंबर ऑफ डेज उसी काम को करने में कितना लगेगा। अब आप ये देखिए कि अगर नंबर ऑफ मैन ज़्यादा हैं तो टाइम कम लगेगा उस काम को करने में, और अगर नंबर ऑफ मैन कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीजेज, और वन क्वांटिटी अगर डिक्रीज करे तो अदर इंक्रीजेज। तो बच्चों ये कौन सा रूल होता है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें देखिए अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज होती है, और वो इस तरीके से होती है कि जो प्रोडक्ट होता है टू क्वांटिटीज़ का, मान लो टू क्वांटिटीज़ यू हैव एक्स और वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये दिस लॉ इज़ नोन एज इनवर्स प्रपोर्शन। तो इस केस में देखिए आपके पास अगर नंबर ऑफ मैन कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, अगर डेज कम है तो टाइम नंबर ऑफ मैन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कैसे करेंगे इसको, 8 into 20 is equal to 20 into x, तो x इज इक्वल टू 8 into 20 divided by 20, तो कितना आ गया 8 days। क्या आंसर आ गया बच्चों इसका, 8 days, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एन अमाउंट ऑफ फूड लास्ट फॉर 40 days फॉर 120 men, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर 80 men एट द सेम रेट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में हम यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या क्या लिखना है, एक तो डेज दिया और एक नंबर ऑफ मैन और डेज। ठीक है, अगर 120 men है तो नंबर ऑफ डेज 40 चलेगा, मतलब कि जो फूड है वो 40 days चलेगा। अगर नंबर ऑफ मैन कम कर दिए जाएं तो कितने दिन
जो है ये फूड चले गए वो आपको बताना है। तो उसमें भी ये देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, 120 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 40 अपॉन 80, तो कितना आ गया बच्चों ये 60 डेज। ठीक है 60 डेज, अगर हमने नंबर ऑफ मैन कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए, 60 डेज वो फूड चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 7 डेज, इन व्हाट टाइम कैन 6 वुमेन रीप द सेम फील्ड। तो देखिए इसको भी हमें करने के लिए पहले, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, इसमें वुमेन आ जाएगा, नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है और डेज। ठीक है, अगर 18 वुमेन है नंबर ऑफ डेज कितना है 7, मतलब 18 जो वुमेन है वो कितने दिन में काम पूरा करती है 7 डेज में, और अगर 6 वुमेन हो जाएंगी तो नंबर कितने नंबर ऑफ डेज में वो काम कंप्लीट करेंगी सेम काम। तो देखिए इसमें इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो 18 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स, 18 इंटू 7 अपॉन 6, एक्स इज इक्वल टू 21 डेज। तो 21 डेज में 6 वूमेन जो है उसी काम को कंप्लीट करेंगी, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 10 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल 3 मैन टेक टू डिग द सेम ट्रेंच। तो देखिए इसमें वही हम आप पहले टेबल बना लेंगे, इसमें आपके पास मैन आ जाएगा, नंबर ऑफ मैंस कितने डेज, अगर 10 मैन है तो कितने डेज लग रहे हैं 10 मैन को, 15, और अगर आपके पास 3 है तो कितना टाइम लग रहा है एक्स। तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन, तो 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स, 10 इंटू 15 अपॉन 3, तो कितने डेज लगेंगे बच्चों 50 डेज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मैन कम हो गए हैं तो उसी काम को पूरा करने में 50 डेज लगेंगे। तो इसका बच्चों कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप यूज्ड। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ पाइप्स लिखो पहले, नंबर ऑफ पाइप्स और नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम इन आवर्स। ठीक है, देखिए अगर नंबर ऑफ पाइप्स 6 हैं, अब आप ये देखिए कि इसमें आपको तो आपको सेम, तो इसमें देखिए 1 आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए वो मिनट्स में है। 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ पाइप्स अगर 5 है तो कितना टाइम लगेगा, एक्स ले लेते हैं, 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स, 6 इंटू 60 अपॉन 5, तो 72 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा बच्चों, 72 मिनट्स, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 14 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 40 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 16 डेज, हाउ मैनी काउज विल ग्रेज अ सेम फील्ड इन 10 डेज। तो हम फिर इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ काउज लिखे पहले और डेज, अगर नंबर ऑफ काउज 40 है तो डेज है 16, और अगर नंबर ऑफ डेज अगर 10 दिया तो कितने का, तो आपको बताना है नंबर ऑफ काउज, उसको एक्स ले लेंगे,
तो देखिए इसमें भी आपके पास कौन सा लॉ लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन 40 × 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 40 × 16 / 10, तो 64 डेज, ठीक है, 64 काउस, तो 64 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 64, हाउ मेनी काउस, तो 64 काउस। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ एक्स इज इक्वल टू के वाई एंड वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 8, देन के इज, तो देखिए एक्स इज इक्वल टू के वाई, इट मीन्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन का रूल दिया हुआ है। वट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वट इज वाई 4, तो वट इज द वैल्यू ऑफ के, 2, तो वैल्यू ऑफ के इज 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, इफ एक्स इज इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 15। तो देखिए बच्चों, इसमें एक्स और वाई जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के, इनवर्स प्रोपोर्शनल का ये रूल होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, फर्स्ट टेक एक्स इज इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू 90, के इज इक्वल टू 90। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 15, तो देखिए इसमें अगेन हम अप्लाई करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल का रूल, के की वैल्यू 90 है और वाई की वैल्यू 15 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 6, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स इज इक्वल टू 6, तो बच्चों इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।